हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम मोनिका नंदा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट हिंदी, क्लास थर्ड, एक पते की बात। ओके, चैप्टर नंबर 13। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना परिवार का काम नहीं चल सकता। तो एक घर में क्या हुआ कि मुखिया कौन होता है घर का, पता है आपको? मुखिया होता है हेड, जैसे कि घर में जो सबसे बड़ा होता है या सबसे ज़्यादा जो कमाने वाला होता है उसी को परिवार का मुखिया कहा जाता है। तो उसको क्या है कि एक इसमें बता रहे हैं कि एक घर के मुखिया को ये अभिमान हो गया। अभिमान का मीन्स क्या होता है? अभिमान का मीन्स होता है घमंड हो गया कि उसके बिना परिवार का कोई काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो भी आय होती थी उसी से उसका परिवार का गुजारा चलता था। अब क्या हुआ कि उसकी एक छोटी सी दुकान थी और जो वो उससे कमाता उससे उसी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। चूँकि कमाने वाला वह अकेला ही था, उसे लगता कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ कि उसको ये लगता था कि चूँकि कमाने वाला वो अकेला ही था पूरे घर में, तो उसको ये लगता था कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वह लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। मैं लोगों के सामने क्या हुआ? डींगे हाँका कर। डींगे हाँकना मतलब क्या होता है? डींगे हाँकना मतलब होता है कि किसी के सामने अपनी तारीफें करना, अपने मुंह से ही मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, एक दिन वह संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी का काम नहीं रुकता, यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा, सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। तो क्या हुआ कि ये संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी का काम किसी के बगैर नहीं रुकता। अगर हम सोचते हैं कि हमारा हम अगर ये नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं कर पाएंगे, या घर में मम्मी नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा, या पापा नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंसान के सर पर पड़ती है या फिर जब देखते हैं कि दुनिया में किसी का कोई काम किसी के बगैर नहीं रुक पाता है, जैसे मम्मी कई बार बीमार हो जाती है आपकी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भूखे रहते हैं, खाना तो मिलता ही है जैसे भी मिले। तो हर किसी का जो होता है कि ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे ही मर जाएंगे। उसने कहा कि मैं दिन भर जो कमाता हूँ और उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मेरे बिना तो परिवार के लोग भूखे ही मर जाएंगे। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं जो कमाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, तो उसने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है, मतलब ये तुम व्यर्थ की सोच है तुम्हारी, सब कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा कि आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। उसने कहा कि आप इसको साबित करके दिखाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, तुम बिना बताए किसी को बताए घर से एक महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने कहा कि तुम क्या करो कि घर से एक महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे भाग ने अपना भोजन बना लिया है। तो संत ने क्या किया कि ये बात फैला दी कि उसे एक बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिन तक शोक संतप्त रहे। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब ये बात फैलाई कि वो मर गया है, तो उनके जो परिवार वाले थे उनको बहुत शोक संतप्त रहे। तो क्या हुआ कि आखिर गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। तो क्या हुआ कि गांव वालों ने उनकी मदद के लिए सामने आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब क्या हुआ कि जो उसके लड़के थे, एक सेठ ने उसको अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने के लिए तैयार हो गया और उनके दिन फिर मज़े में गुजरने लगे। एक महीने बाद मुखिया छुपता छुपाता रात के वक्त अपने घर आया। अब क्या हुआ कि उसके जो थे, अब सब कुछ सेट हो गया था कि जैसे कि अब उसका बड़ा बेटा था वो जॉब करने लग गया था, बेटी की शादी हो गई थी और छोटे बेटे भी पढ़ाई कर रहा था, तो उनके दिन फिर मज़े में गुजरने लगे थे। एक महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर पे आया।
घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। घर वालों ने सोचा कि भूत आ गया है, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया तो उसने सारी बात बताई तो उसकी पति ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। क्या हुआ कि अब जो है घर वालों ने भूत समझकर जो दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जब वह खड़खड़ाया तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के अंदर से उत्तर दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर हो गया कि संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। ऐसे उस व्यक्ति का सारा घमंड जो था चूर हो गया था। ये बात सच है कि संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है, संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। यहाँ सभी के बिना ही काम चल सकता है, संसार जो सदा से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जगत को चलाने की हामी भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत उनके बिना भी चला है और आगे भी चलता रहेगा, फिर किस बात का अभिमान करना। अगर बड़े बड़े सम्राट जो थे या राजा लोग थे वो ये सोचते थे कि हमारे बिना ये राज्य नहीं चल पाएगा, समाज नहीं चल पाएगा, तो ये सबकी सोच गलत होती है और सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, फिर किस बात का घमंड करना। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। तो इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने काम का और अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो होता है अगर ऐसे घमंड करेगा, ये सोचेगा कि हमारे बगैर उस काम नहीं चल पाएगा, तो ये सोच गलत है। इसलिए कभी भी हमें अपने अंदर घमंड को नहीं लाने देना चाहिए। तो इसलिए ये कहते हैं कि सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए और अच्छे कार्यों का ही फल हमें मिलता है। ठीक है, इसके आप शब्दार्थ जो है अपने उसमें करेंगे, अपनी नोटबुक में कठिन शब्द और वो जो प्रश्न उत्तर एक्सरसाइजेस सारी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।